सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात कर ली जाए कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो इस वक्त फाइनेंसिंग की जा रही है स्टेट बैंक की जानिब से, उसमें जो पेशकश सामने आई है, अच्छी खबर ये है कि स्टेट बैंक की जानिब से सेहत के शोबे के लिए जो अहम इकदाम उठाए गए हैं उसमें ये बात वाज़ेह की गई है कि जो अस्पताल हैं और जो मेडिकल सेंटर्स हैं उनको 500 मिलियन तक जो कर्ज है वो दिया जा सकता है। और ये तरीक़ेकार वाज़ेह किया गया कि कमर्शियल बैंक जो होंगे उनको 0.0 समथिंग जो है वो रेट पर दिया जाएगा जो शरह सूद होगी, और आगे कमर्शियल बैंक जो इदारों को या हॉस्पिटल्स को या जो सेंटर्स हैं मेडिकल सेंटर्स उनको जब ये लोन देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3% जो है शरह सूद पर बैंक दे सकता है। अब यहाँ पर अगर मजबूती तौर पर बात कर ली जाए तो 11 अस्पतालों और मेडिकल सेंटर्स के लिए 2.2 बिलियन रुपए फाइनेंसिंग की इजाज़त दे दी गई है, इस पर जो है वो मंजूरी मिल चुकी है। जबकि अभी पेंडिंग में जो चीज़ें हैं वो बैंक्स जो बताए जा रहे हैं 23 अस्पतालों और मेडिकल सेंटर्स की दरख्वास्तों को अभी प्रोसेस किया जा रहा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सारे मामलात हैं। अच्छा, ये जो मामलात हैं जो मैंने अभी तक कोर्ट किए, जो अस्पताल जिनको मंजूरी मिल चुकी है और जिनको नहीं भी मिली है, ये बड़े ग्रुप्स हैं। बड़े ग्रुप्स के हवाले से तो बातें सामने आ रही हैं कि बिल्कुल आसानी से उनको लोन दिया जा रहा है, जैसे कि वफाकी हुकूमत ने कहा, और एक जो रिलैक्सेशन वाला माहौल रखने के लिए इनको फिजिबिलिटी दी जा रही है। अब बात आ जाती है छोटे ग्रुप्स की, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, स्मॉल बैंक्स या जो मेडिकल सेंटर्स हैं, मेडिकल सेंटर की बात की जाए तो उनके साथ क्या मसाइल हैं, इस पर भी बात करेंगे जरा सा दोनों पैराए के अंदर। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कमर जमान। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब जानना चाहूंगा कि ये तो एक अच्छी जो एक कदम उठाया, अच्छा कदम के भाई 11 अस्पतालों को 2.2 बिलियन फाइनेंसिंग के लिए मंजूरी दे दी गई, 23 अस्पतालों के लिए अभी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अगर बात कर ली जाए छोटे ग्रुप्स की तो उनके साथ बड़े मसाइल हैं जिनकी जो है वो गूंज अभी इतनी नहीं हुई है, वो क्या मसाइल है सर? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने चैनल पर शामिल किया। बात यह है कि हकीकत उनसे पता हो सकती है जो लोग इसमें अफेक्टेड हैं, ठीक है, अच्छा, और वो आदमी आपको सही तरीके से गाइड पर करेगा और सही तरह बताएगा जो कि इसका सच्ची होगा और आयन वन ऑफ दैट। तो उसमें ये कहा कि इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है, रजा बाकर ने जो पॉलिसी बनाई उसको देख के लोगों ने वाह वाह बहुत कही, मगर वो बात ये है कि रजा बाकर साहब ने उसको फॉलो अप नहीं किया कि वेदर वो इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं। फिर हमने दो तीन चैनल पर उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर इनायत हुसैन को देखा जो कि अपने एंकर को जवाब दे रहे थे बड़े खुशी खुशी करके, मगर वो ये भूल रहे थे कि एक्चुअली ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जो वो बता रहे हैं। तो मसला ये है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ है और ऊपर से कुछ कहा जा रहा है। डॉक्टर साहब मैं ग्राउंड रियलिटी के ऊपर ही बात करना चाह रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटी बेसिकली है क्या, मिल रहा है लोन या नहीं? ग्राउंड रियलिटी ये है कि जितने भी सबऑर्डिनेट बैंक है स्टेट बैंक के, वो बिल्कुल स्टेट बैंक से कॉपरेट नहीं कर रहे हैं और किसी भी एसएमई को लोन नहीं दे रहे हैं, ये हकीकत है। आप 10 लोग उनसे कहें 10 का नाम बता दें जिनको उन्होंने लोन दिया। अच्छा, लोन इनको नहीं मिल रहे जो स्मॉल ग्रुप्स हैं। अच्छा, बेसिकली ये ले ऑफ स्कीम है जो रीफाइनेंसिंग ऑफ ले ऑफ स्कीम बनाई है उन्होंने एम्प्लॉयज के लिए, तो उनको ले ऑफ ना करें बल्कि ये है कि उनको पे किया जाए उसकी वजह से, और 2.5 साल में उनको आप ये लोन जो है वापस पे कर दिया जाए, और वो भी डायरेक्ट उन्होंने सैलरी वालों के अकाउंट्स में डालना है, ये नहीं कि वो किसी मेडिकल सेंटर के मालिक के या ओनर के पास या डायरेक्टर के अकाउंट में जाएगा, बल्कि ये कि आपने वो बना के देने होंगे अकाउंट्स, उनके सारे नंबर और पेशेंट का उनके नाम, और उसमें वो जो आपने सैलरी बताई होगी वो उस पर स्टेट बैंक या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है ना, या करप्शन का इस वक्त मार्जिन ही नहीं है, वो आपको उसमें जाएगा, इसलिए किसी किस्म का हैंकी पैंकी का कोई खतरा नहीं है इसके अंदर। अब रहा कि ये क्यों नहीं कर रहे इसके लिए, मैं आपको एक वजह बताता हूँ कि
ज़्यादातर लोग जो है एसएमई हेड वगैरह वो रिस्क लेने को तैयार ही नहीं। उन्होंने मैंने एक मैं नाम नहीं लूँगा मगर एक बैंक को की बसे मेरी बात हुई तो उन्होंने तो हमने 6 मिलियन का उनको मांगा था लोन अपने 3 महीने की सैलरीज के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम को अच्छा इसमें एक बड़े मजे की बात यह है कि स्टेट बैंक ने कहा है कि 5 मिलियन से नीचे का जो लोन है उसमें आपसे कोई कोलेटरल या सिक्योरिटी नहीं दे, सिर्फ प्रॉमिसिंग नोट जो है दैट इज मोर देन इनफ, जिसके लिए कोई बैंक भी राजी नहीं है। चले भले बात सही है उनकी, चले वो रिस्क नहीं लेते। अब सवाल ये कि जो रिस्क लेते हैं तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि साहब हम मैंने कहा ठीक है मैं आपको कोलेटरल या सिक्योरिटी देने को तैयार हूँ तो आप ले लें। तो उन्होंने कहा जी उससे पहले आपको 4 सर्टिफिकेट देना दिखाना पड़ेगा, सच सर्टिफिकेट, NOC, परमिशन टू मॉर्गेज, फला फला फला। मैंने कहा फला साहब आप ये बताइए कि सिटी कोर्ट से सच कोर्ट निकलता है सच सर्टिफिकेट नहीं, तो जब जब रजा बाकर साहब ने तमाम शराइत नहीं रखी थी पॉलिसी के अंदर तो ये कैसे कमर्शियल बैंक्स आपसे जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं इन पॉलिसीज पर? देखिए ये कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक की पॉलिसी को जूते के नोक पर मार रहे हैं, सच्ची बात पूछे आप। उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है कि जाओ जो मर्जियां कर लो हम नहीं करने वाले। तो क्या क्या ये चीज जो आप मुझे बता रहे हैं क्या ये स्टेट बैंक को नहीं मालूम कि कमर्शियल बैंक्स क्या कर रहे हैं? नहीं, स्टेट वही तो मैंने कहा ना कि जो गवर्नर साहब हैं या उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनायत हुसैन है उन्होंने चैनल्स पे खड़े बैठ के बड़ी बड़ी बातें जरूर की मगर उन्होंने इस पॉलिसी को फॉलोअप नहीं किया कि इसकी रियलिटी क्या है। ये सिर्फ उन लोगों को दी जा रही है जिनके ऑलरेडी उनके पास बैंकों के पास लिमिट्स हैं, वर्किंग कैपिटल्स हैं और उनके पास सिक्योरिटीज हैं, तो उन्हें उन्हें कुछ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अच्छा आप अपना मसला जो बता रहे थे उसको आगे बढ़ाएं कि जो 4 चीजें शराइत रखी हूँ क्या क्या थी? तो उन्होंने उनमें से एक बैंक ने रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने जब ये कहा तो मैंने कहा हम को लेटर देने को तैयार है मगर इसके अंदर यही है। तो उन्होंने कहा ये 4 सर्टिफिकेट लाए, मैंने कहा ये मुमकिन ही नहीं है, इस पर लॉकडाउन हुआ हुआ है, स्टेडियम बंद है, सिटी कोर्ट बंद है। हाँ आपको हम एक अंडरटेकिंग दे देते हैं जिससे ये होगा जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो हम आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे, बट दे इवन टर्न डाउन दैट रिक्वेस्ट टू। बहरहाल कोई मसला नहीं, मेरे पास 51 एम्प्लॉयज है जिसमें से 42 जो है वो घर बैठे हुए, बाकी 7-8 लोग जो है हमारे साथ सुबह से शाम तक काम करते हैं। मगर उससे नुकसान ये हुआ कि मेरे पास 4 वेंटिलेटर है, ICU है, वो सब के सब बंद हो गए। जो लोग हाई हाई कर रहे हैं वेंटिलेटर के लिए और उनको एक जगह से मिल सकते हैं मगर वो चूंकि खाली ICU के लिए तो हॉस्पिटल नहीं खोला जा सकता कि सब ICU के लिए आप खोले, उसके लिए कम से कम 16 लाख रुपए की सैलरी चाहिए। तो मजबूरी ये है कि कभी भी हमारी पिछली गवर्नमेंट ने मेडिकल पर इतना मेडिकल सर्विसेज पे कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। अगर खुदा ना खासा 10,000 आदमी हॉस्पिटलाइजेशन के नौबत में आ जाए तो आप यकीन माने इस कराची में मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त 5-6 बड़े हॉस्पिटल हैं, बाकी जो है 50 बेड 100 बेड 150 बेड हैं जिनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं। वेंटिलेटर होने का यह हरगिज मतलब नहीं कि आप कमरे में लग के रख लें, उसके लिए एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कंप्रेस्ड एयर होती है वो चाहिए, पूरा सिस्टम चाहिए, वो सब जब तक नहीं हो सकता जब प्रॉपर हॉस्पिटल ना हो। आप इंपोर्ट तो कर लें मगर सवाल ये उसको चलाने वाले भी चाहिए, कहते ना मैन बिहाइंड द गन इज वेरी। तो जब आप एक प्रॉपर हॉस्पिटल रन कर रहे हैं तो फिर रिजेक्ट करने की वजह क्या थी लोन तो उनका जवाब क्या था उस बैंक का? उनका जवाब ये था कि जब तक आप ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगे हम आपको ये कुछ नहीं कर सकते, आप ही को नहीं और दूसरे सिर्फ मेडिकल सेंटर भी नहीं, हॉस्पिटल नहीं, उसके अलावा इंडस्ट्रीज है और छोटे छोटे SMEs हैं जो कारोबार कर रहे हैं, उनमें से किसी को भी इन्होंने लोन नहीं दिया। नेम एनी वन, उनसे कहें 8-10 लोगों का पूरी कराची में नाम बता दें कि जिनको हमने ये लोन जो ले ऑफ स्कीम है इसमें दिया हो, इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। ये सिर्फ अपने जानने वालों को बड़ी बड़ी पार्टीज को दे रहे हैं और उसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट है। अच्छा जो हमारी ब्यूरोक्रेसी या आप देखें स्टेट बैंक के लोग हैं वो इसको फॉलो नहीं करते। मैंने स्टेट बैंक को भी एक ईमेल डाला, उस पर से एक छोटी क्लाइंट का एक मुहतरमा ने जवाब दिया कि दिस इज डिसीजन ऑफ द बैंक। मैंने उनसे कहा मैडम आपने पढ़ा ही नहीं मेरा ये ईमेल, मैंने तो ये कहा है कि हम सब कुछ प्रोवाइड करने को तैयार है मगर इस लॉकडाउन में ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं है, तो आप एक वे आउट मुझे बताएं क्या किया जाए। तो बेसिकली ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। अच्छा जबकि देखा जाए तो इसमें कमर्शियल बैंक्स को किसी किस्म का नुकसान नहीं है क्योंकि जो उनको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो तो पॉइंट समथिंग है और जब आपको दे रहे हैं तो वो 3% जो है वो दिया जा रहा है इंटरेस्ट रेट। ये फाइलर्स को 3% है, नॉन फाइलर को 4% है और ये पैसा भी स्टेट बैंक का कमर्शियल बैंक का है भी नहीं। मगर सवाल ये है कि जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं वहाँ बैठे हुए SME हेड, कमर्शियल हेड, फला फला, ये
कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपनी नौकरी। अच्छा, आपको आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है कि ये नहीं दिया जा रहा है स्मॉल ग्रुप्स को? ये बेसिकली है कि जस्ट टू फेल दी पॉलिसी ऑफ द गवर्नर, और कोई तरीका नहीं है। अगर अगर ये करेंगे तो जाहिर बात है लोग शोर मचाएंगे और वो जो पॉलिसी बनाई थी ले ऑफ करने की वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये जो है ना, ये पर्सनलाइज नहीं है, मैं बॉसों का नाम भी नहीं लेना चाहता, मगर ये कि मैंने बहुत जगह अप्रोच किया मगर बड़ा रुथलेस टाइप का एटीट्यूड लोगों का मिला, जो परवाह नहीं करते कि क्या कुछ हो रहा है। स्टेट बैंक तक रब्ता किया, अगर उन तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की कि ये क्या मामला है, क्या माजरा है? नहीं, वो असल मैंने उनसे कुछ लोगों से बात की, मगर उनका नाम नहीं लूंगा, मगर उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं, मगर फसला ये कोशिश से काम नहीं पड़ता। अब ईद आ रही है, लोगों को तनख्वाहें देनी है, किसी ने 16 लाख 20 लाख कहाँ से देगा जो दो ढाई महीने से आपके हाथ रखे बैठा हुआ है? तो जाहिर है वो बेचारे वो अपने घरों में फंसे हुए हैं लोग। तो इसलिए जरूरी है कि इसको गवर्नर स्टेट बैंक खुद देखें और फॉलो अप करेंगे इन बैंकों ने। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो हम भारत से देखा करेंगे कौन से रिजेक्ट हुए, एक भी नहीं रिजेक्ट की मेरी कोई एप्लीकेशन पहुंची नहीं स्टेट बैंक। तो उसने बोला आपकी तो एप्लीकेशन ही पहुंची। अब मैं तो प्रैक्टिकल आदमी, ये किसने बताया कि आपकी एप्लीकेशन नहीं पहुंची? मैंने वहां पर जो स्पोक्समैन है उनको टेलीफोन किया था किसी रेफरेंस से, उन्होंने कहा जी हमने आप देखा आपने जो नाम बताया अपना मेडिकल सेंटर का, उससे उसमें वो आपकी यहाँ आई नहीं है। मैंने उनको फिर रिसीविंग भेज दी बैंक की, जिसने रिसीव की थी। आपने कमर्शियल बैंक में रिसीविंग ली उस एप्लीकेशन की, वो आगे नहीं पहुंची है? वो आगे पहुंचे नहीं, वो पहुंचेगी नहीं क्योंकि उनकी नियत ही नहीं है ना। इसका मतलब कमर्शियल बैंक्स यहाँ पर जो है वो जिम्मेदार साबित हो रहे हैं? ये हमारे जो डिफरेंट चैनल हैं लोगों की, बाकरा की या वो इनायत की बड़ी बड़ी 20-20 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह दिखाते हैं और वो एंकर बड़े खुश होश होकर उनसे सवाल करते हैं और वो बड़े अच्छे जवाब देते हैं, मगर एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी इज एंटायरली डिफरेंट। मैं वो एंकर बड़े अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, तो इसीलिए आपको बिठाया ना ताकि आप भी ये रियलिटी सामने रखें, तो हम भी सवाल करें। आपने उनको देखे वो जो जिन जो चैनल पे या है पब्लिक पे पब्लिक का है और डिफरेंट चैनल का है, तो उनका अगर आप कहीं से लिखवा के देख लीजिएगा वो कैसी मोहब्बत से उसको जवाब दे रहे हैं, जो आप समझते हैं बिल्कुल 100% इट इज टोटली फेल है। ये सिर्फ जो है ना ये चंद लोगों के हाथ में है और ये सब कर रहे हैं और आई एम श्योर कि ये किसी को फायदा नहीं होगा इससे। जो इसका फायदा बिल्कुल होगा। इस प्रोग्राम के सेगमेंट के बाद आप दोबारा जो है वो कोशिश कीजिएगा अप्लाई करने की और फिर फॉलो अप लेंगे कि क्या इसका वो तो सही, आप सही कह रहे हैं मगर वो मुनासिब नहीं है। पर्सनलाइज वैसे भी नहीं होना चाह रहा, मैं तो गुजारा कर ही लूंगा जैसे कैसे कर रहा, मगर ये नहीं, जब एक पॉलिसी है जब एक कानून बनाया गया तो उसको अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल भाई, ये तो आप अगर इनका अपना पैसा होता चलो रिस्क लेते हैं, 1% पे भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, मगर क्यों अपनी नौकरियां खराब करें? टोटली ये जो है ना ये नौकरी खराब वाली एटीट्यूड है और कोई मसला नहीं। तो इसकी वजह से ये अगर ये चाहते हैं गवर्नर साहब तो ये खुद पर्सनलाइज देखें किसी खास आदमी को लगाए, क्योंकि स्टेट बैंक में लाइन से लोग भरे हुए पड़े। अच्छा, उन हर आदमी कह रहा है यार सुबह हुई शाम में छुट्टी हो क्या करूँ मैं, क्या जवाब दूँ? एक आध लाइन की उन्होंने रखी भी है रिफ्यूजल तो भेज देते हैं, मगर ये जो प्रॉपर उन्होंने कहा था हम वीकली मॉनिटर करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुई, चाहे वो कुछ नहीं हो रहा, ये बिल्कुल मैं आपको। चलिए डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें बताने के लिए और हम तक ये बात पहुंचाने के लिए। जिन लोगों के लिए पॉलिसी बनाई गई है, जिन लोगों के लिए ये रिलीफ रखा गया था उन तक नहीं पहुंचा, ये बहुत बड़ा अलमिया है और इस पर सवाल ये निशानी है कि वफाकी हुकूमत इसको क्यों नहीं गो थ्रू कर रही, क्यों नहीं चेक कर रही, क्यों नहीं रीचेक कर रही है? ये बाकी रजा साहब ने जो पॉलिसी बना दी है उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन लिया गया? मेरे पास तो रिपोर्ट मौजूद है, 11 अस्पतालों को अप्रूव कर दिया गया है, 23 अस्पतालों के हवाले से अभी प्रोसेस चल रहा है। तो ये जो छोटे ग्रुप्स हैं, छोटे अस्पताल या मेडिकल सेंटर्स हैं, ये बता रहे हैं जनाब डॉक्टर साहब कि अभी तक अप्रूव नहीं किया गया और लेम एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं, कमर्शियल बैंक का काम नहीं है, अगर एप्लीकेशन भिजवा दी गई तो आगे क्यों नहीं पहुंची? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल इस पर देखते हैं कि वफाकी हुकूमत क्या एक्शन लेती है। वक्फा लूंगा, इसके बाद ताजिरों के हवाले से कुछ बात करेंगे कि किस कश्मकश में है इस वक्त सिंध हुकूमत और ताजिर बिरादरी।